स्टूडेंट्स वेलकम इन योर साइंस क्लास। आई एम कप्सी मिस हियर मेकिंग योर साइंस ईजी। वी हैव स्टार्टेड आवर थर्ड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इन आवर लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू द सिंबल्स एंड वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ग्रुप्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। For making formulas, we have to know the symbols of elements or groups that is present in the compound. We have to know the valences of elements or groups. Here, I have taken the example sodium chloride. Sodium chloride. In sodium chloride, which are the elements? Yes, sodium and chlorine. Sodium and chlorine are the elements in sodium chloride. Then we have to know the symbols of sodium and symbol of chlorine. Na is the symbol of sodium and Cl is the symbol for chlorine. Now we have to know the valency of sodium and chlorine. I have given you the table of valency, and in the table we can find the valency of sodium and chlorine. You have to learn it, but still all the valences are not learned by you, so I am showing you that table again. Here you can see the valency of sodium. Sodium, the symbol for sodium, Na, and valency for sodium is 1. For chlorine, symbol for chlorine is Cl, and valency for chlorine is 1. So we will put this value in the formula. For making formula, we have to write these valencies on top as a superscript of the symbol. ये जो symbol हमने लिखे है उस element के, इसके top पे हम उसकी valency लिखेंगे. Sodium की valency है 1, chlorine की valency है 1. ये उसके top पे हम लिखेंगे. अब नेक्स्ट जो रूल है वो है डिवाइड बाय एनी कॉमन फैक्टर इन देयर वैलेंसी। अब दोनों की भी वैलेंसी 1-1 है, तो इसे ये कॉमन ही फैक्टर हो गया। और वन थिंग, 1 जो है हमने नहीं लिखा तो भी चलता है। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये जो सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड में, उनके सिंबल पास पास लिखने हैं हमें, सोडियम एंड क्लोरीन। एंड एज द वैलेंस इज 1-1, 1 जो है नहीं लिखा तो भी चलता है। ये आपने मैथ में सीखा होगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आता है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो आंसर वही आता है। तो किसी नंबर के डिवाइड में 1 है तो नहीं लिखा तो भी चलता है, है ना? तो यहाँ पे भी वही हमें यूज़ करना है। ये वैलेंसी 1-1 है, इसलिए हमने वो नहीं लिखी। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया Na Cl इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। इट इज़ द सिंपल एग्जांपल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल, that is sodium sulfate. Sodium sulfate. In sodium sulfate, rule के हिसाब से हम जाएंगे, sodium sulfate में कौन कौन से elements हैं। अब कौन से elements हैं sodium sulfate में? Sodium है और sulfate, अब ये element नहीं है, ये group है। मैंने आपको एक group का भी table दिया था लिखने के लिए, learn करने के लिए, और I think आपने वो learn किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लो।
आज के दिन मैं आपको वो टेबल दिखा के ये फॉर्मूला बनाना सिखा दी। अब हम इन एलिमेंट्स के सिंबल्स यहाँ पे लिखेंगे। सोडियम का सिंबल है Na और सल्फेट का सिंबल है SO4। सल्फेट का सिंबल है SO4। ये टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फेट का सिंबल SO4। अब देखेंगे हम इनके वैलेंसी के बारे में। सोडियम की वैलेंसी हमें मालूम ही है, सोडियम की वैलेंसी 1। अभी के एग्जाम्पल में हमने वो देखा है, सोडियम की वैलेंसी है 1। अब तो वो आपकी लर्न हो गई होगी, है ना। अब देखेंगे हम सल्फेट की वैलेंसी। सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पे देखो, ये सल्फेट और इस सल्फेट की वैलेंसी है 2। ये वैलेंसी हम टॉप पे लिखेंगे। इस सिंबल के टॉप पे हम ये वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड सल्फेट की वैलेंसी 2। अब ये सल्फेट ग्रुप है इसलिए इसे मैं ब्रैकेट में डालती हूँ। यस, अब नेक्स्ट जो रूल है फॉर्मूला मेक करने का, ये वैलेंसी टॉप पे लिखने के बाद, वैलेंसी टॉप पे लिखने के बाद इस वैलेंसी को इंटरचेंज करके, पहले तो हमें इसे डिवाइड करके कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसे ये दोनों भी क्या है, 1 और 2, ये इसका कॉमन फैक्टर यही हो सकते हैं, है ना। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है, कॉमन फैक्टर निकाल के इनके पीछे लिखना पड़ता है। अब इनमें का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो नेक्स्ट जो रूल है उसमें है, इंटरचेंज द नंबर्स ऑब्टेन एंड राइट देम एट द बेस टू गेट द फॉर्मूला। तो ये जो नंबर है इसे हमें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है बोले तो ये 2 इस सोडियम के बेस के पास लिखना है और ये 1 इस सल्फेट के बेस के पास लिखना है। ये सोडियम सल्फेट की वैलेंसी सोडियम के बेस पे, ये याद रखना है, बेस पे ये वैलेंसी लिखनी है हमें। यस, और सल्फेट के बेस पे इस सोडियम की वैलेंसी जो कि 1 है। अब इस 1 को हमने नहीं लिखा तो भी चलता है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम सल्फेट का, Na2SO4। ये बन गया फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का, है ना, आसान। इसलिए हमें सिर्फ वैलेंसी और सिंबल लर्न करने पड़ेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। अब आपके बुक में एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना के दिखाया गया है, तो ये एग्जांपल मैं नहीं लूँगी, ये आप यहाँ पे रीड करके सीखेंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखो ये जो चार्ट दिया है इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं। यस, कौन सा एग्जांपल ले हम, कार्बोनेट का। यस, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल हम लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के एलिमेंट्स कौन से हम देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में एलिमेंट्स आते हैं कैल्शियम और कार्बोनेट। कौन से, कैल्शियम और कार्बोनेट। देखो एलिमेंट्स फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, वो जो नेम होता है उस कंपाउंड का, उस नेम के हिसाब से ही हम वो एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपको एलिमेंट्स के नेम, 118 नेम्स है एलिमेंट्स के, वो नेम लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। देखो ये बहुत ईजी है, जैसे आप नंबर सीखते हैं 1 to 100। यस, सीखने से पहले आपको बहुत हार्ड लगता है लेकिन एक बार सीखे तो वो कभी भी भूलते नहीं है। वैसे ही ये 118 एलिमेंट्स लर्न करना और उनके सिंबल्स याद रखना बहुत इजी है। ये एक सिंपल वे है, एक छोटे बच्चे का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो देख के आप वो एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो ग्रुप का मैंने आपको चार्ट दिया है
वो ग्रुप के नेम्स और वो सिंबल्स भी आप याद रखेंगे, जिससे कि आपको ये फॉर्मूलाज मेक करना, केमिकल इक्वेशन बनाना इजी हो जाए। अब हम देखेंगे इसका कैल्शियम का जो सिंबल है वो क्या है, Ca, और कार्बोनेट का जो सिंबल है वो क्या है, CO3। ये उस ग्रुप में मैंने आपको दिया था, फिर से दिखाती हूँ। ये जो टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया था, कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है CO3, यस, ये लर्न होना नेसेसरी है। CO3 इज द सिंबल और फॉर्मूला फॉर कार्बोनेट। अब हम देखेंगे इनके वैलेंसी के बारे में। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, सिंबल Ca एंड वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, एंड कार्बोनेट की वैलेंसी है वो भी है 2, कार्बोनेट है ऑल्सो वैलेंसी 2। अब ये वैलेंसी हम लिखेंगे कहाँ पे, इस सिंबल के टॉप पे, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2। अब 2 का कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं 2, इसका कॉमन फैक्टर अगर हमने 2 निकाला तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 एंड 1, ये सिंपल डिवीजन है। अभी आप 7th में हैं तो ये सिंपल डिवीजन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 और 2 से कॉमन फैक्टर अगर हमने निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा 2 1 2, बोले तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इसे ये वाला 1 और ये वाला 1 कहाँ पे लिखना है, इंटरचेंज करके उनके बेस पे। ये वाला 1 कैल्शियम के बेस पे जाएगा, ये वाला 1 कार्बोनेट के बेस पे जाएगा, और 1 ही है इसलिए इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, अगर ये नंबर्स चेंज आए तो ये इंटरचेंज किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, कैल्शियम के बेस पे 1 एंड कार्बोनेट के बेस पे 1, और 1 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ये बन गया फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। यस, है इजी मेथड फॉर मेकिंग फॉर्मूला।